आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? आजादी की लड़ाई लड़ी थी
कि देश आजाद होएगा, जनता की ताकत होएगी, जनता वोट डालेगी, वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी, सरकार जनता के लिए काम करेगी। अरे ये कैसा कानून कि जिस सरकार को जनता ने 70 में से 62 सीट दी, 70 में से एक बारी 67 सीट दी, उस सरकार की कोई पावर नहीं और तुम्हारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सारी पावर। संसद के अंदर जब ये बिल पे चर्चा हो रही थी, सुशील गुप्ता जी वहीं बैठे थे संसद में, बीजेपी के एक एक सांसद ने खड़े होके बोला, केजरीवाल ने किसानों का समर्थन किया था इसलिए केजरीवाल को सजा दे रहे हैं हम लोग। सेम 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 सुन लेना आप यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे सुन लेना इनके बीजेपी वालों के भाषण। बीजेपी वाले संसद में खुलेआम बोल रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों का समर्थन क्यों करा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन का समर्थन करा इसलिए केजरीवाल को यह सजा दी जा रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे 300 किसान भाइयों ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी इस किसान आंदोलन के लिए, अगर केजरीवाल की जान भी चली जाए आपकी किसी सजा से नहीं डरते हम लोग। आज ये जो किसान आंदोलन है, हर भारतवासी का फर्ज है, हर देशभक्त का फर्ज है। जो कहता है मैं भारत से प्यार करता हूं उसका फर्ज है कि किसान आंदोलन का साथ दे। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरीवाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूं मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। हम आपके साथ हैं, अभी परसों में सुशील गुप्ता जी से मेरी फोन पे बात हो रही थी, इन्होंने बताया जी गांव गांव में जा रहे हैं इसकी तैयारी, आज इस महापंचायत की तैयारी करने के लिए। बोले जी गांव गांव के अंदर किसी पार्टी के नेता को नहीं घुसने दे रहे, और जब आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं तो लोग बुला बुला के अपने घर में उनको दूध पिलाते हैं। जिन गांव के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं का घुसना मना है, जिन इलाकों के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है, वहां पे आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को इज्जत बख्शी जा रही है। पूरे देश के अंदर आज सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किसानों की पार्टी है। अगर किसानों का कोई भला सोचता है तो आम आदमी पार्टी सोचती है। मेरे लिए ये सबसे खुशी की बात है, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, इससे बड़ा मेरे को और मेडल नहीं चाहिए कि आज किसान मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं, आज किसान मेरे को अपना बेटा मानते हैं, आज किसान मेरे अंदर अपना हितैषी देखते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती दोस्तों। इसकी जो सजा देना चाहती है केंद्र सरकार मेरे को सजा दे, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। राजनीति में आए थे जनता की सेवा करने के लिए, हम लोग राजनीति में आए हैं देश की सेवा करने के लिए। 6 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते हुए, 6 साल में आप लोग भी जानते हो कि खूब काम किए हैं दिल्ली के अंदर, स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, दिल्ली में बिजली मुफ्त हो रही है, पानी मुफ्त हो रहा है, महिलाओं की बसों का में किराया नहीं लगता, औरत अगर महिला बस में सफर करे उसका किराया नहीं लगता, खूब सड़कें बन रही हैं, खूब विकास हो रहा है दिल्ली के अंदर। आप तो जाते रहते हो दिल्ली, आपको पता होगा। और इन 6 साल में जब हम लोग दिल्ली का विकास कर रहे थे,
बीजेपी वाले हर 6-7 महीने में कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ा के हमारी शक्तियां छीनते रहते हैं, शक्तियां छीनते रहते हैं। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास तो खूब शक्तियां हो गई, अब बीजेपी तो इस देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी है। केंद्र में भी उनकी सरकार, कितने सारे राज्यों में भी उनकी सरकार, इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली में इतने स्कूल बनवा दिए, बीजेपी ने पूरे देश में मिलके एक स्कूल नहीं बनवाया, एक कॉलेज नहीं बनवाया, एक अस्पताल नहीं बनवाया। बता दो जी, बनवाया हो तो बंद करवा दिया जी, बंद करवा दिया है। पूरे हरियाणा के कोने कोने से, आपके जिले में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई स्कूल बनवाया हो, इन्होंने बंद जरूर करा दिया, कई स्कूल बंद करा दिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, एक स्कूल नहीं बना। इतनी शक्तियां इनके पास, अपार शक्तियां, अपार साधन इनके पास, इतनी शक्ति हो, इतनी और इतनी सारी शक्तियां इन्होंने मेरी भी छीन ली, फिर भी इनसे एक स्कूल नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना। मैं इनको कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं होती, नीयत की जरूरत होती है। तुम्हारे पास शक्तियां तो बहुत है, तुम्हारी नीयत खराब है। केजरीवाल के पास शक्तियां नहीं है, हमारी नीयत साफ है। हमारी जितनी मर्जी शक्तियां छीन लो, ये दिल्ली के अंदर स्कूल बने थे और बनते रहेंगे, दिल्ली के अंदर अस्पताल बने थे और बनते रहेंगे। भारत माता की जय, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। जितना काम ये बीजेपी के केंद्र सरकार और इनकी सारी सरकारें मिलके 5 साल में जितना काम नहीं कर पाई, भाई साहब चैलेंज करता हूं, अकेले हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया। भारत माता की जय। आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, किसी भी आदमी को पकड़ के पूछ लो, भाई साहब दिल्ली में केजरीवाल है, उसने कुछ काम करा? किसी से पूछ लो, बताएगा हाँ जी स्कूल तो ठीक है, कहेगा कि नहीं कहेगा? आप कहीं चले जाओ पूर्वी भारत में, नागालैंड चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बिहार चले जाओ, किसी से आदमी को पकड़ के पूछ लो, भाई साहब दिल्ली में केजरीवाल ने, उसने कुछ काम करा? कहेगा हाँ जी अस्पताल तो ठीक कर दिए। आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, पूछो भाई साहब केजरीवाल ने कुछ काम करेगा? कहेगा हाँ जी बिजली फ्री कर दी उसने। आप गुजरात चले जाओ, पूछो केजरीवाल ने कुछ काम करा? बोला जी पानी ठीक कर दिया, स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिया। और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ और पूछो बीजेपी ने कुछ करा 5 साल में? कहेंगे जी उन्होंने किसान बर्बाद कर दिए, व्यापारी बर्बाद कर दिए, यूथ बर्बाद कर दिया, युवा बर्बाद कर दिए, सबको बर्बाद करने के सिवा। भाई साहब इतने सारे आदमी बैठे हैं, अगर बीजेपी ने एक काम कराओ 5 साल में, इतनी शक्तियां, इतने एक काम कराओ, मेरे को बता देना जी कोई एक काम कराओ 5 साल में, कोई एक काम इन्होंने कराओ ढंग का, देश नहीं बचने दूंगा। तो भाई साहब इनके पास शक्तियां तो बहुत है, नीयत खराब है। इन 75 साल में इस देश में दो ही पार्टियों ने राज करा, बीजेपी और कांग्रेस, दो ही पार्टियों ने राज करा 75 साल में। आज देश की जनता पूछेगी कि अगर 5 साल के अंदर दिल्ली में स्कूल ठीक हो सकते हैं तो 75 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों बताओ 75 साल में तुमने क्यों नहीं किए? आज देश की जनता पूछेगी कि अगर 5 साल के अंदर दिल्ली में बिजली 24 घंटे हो सकती है, फ्री मिल सकती है बिजली, भाई साहब दिल्ली में हर आदमी की बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे कर दी, दिल्ली में अगर बिजली फ्री हो सकती है, 24 घंटे हो सकती है, तो बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों बताओ तुम
साल में क्यों नहीं करी? दिल्ली की जनता पूछेगी इनसे, सवाल पूछेगी, इनको जवाब देने पड़ेगा। और ये सारे जो मिलके, ये सारे पार्टी वाले मिलके मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये सारे जने मिलके मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं, ये कहते हैं केजरीवाल भी हमारे जैसा हो जाए। इन्होंने 75 साल में सारे नेताओं ने, सारी पार्टी वालों ने मिलके केवल अपने घर भरे हैं, अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा। अगर मैं भी सत्ता में आने के बाद बदल जाता, आज भी आपके सामने वही केजरीवाल खड़ा है जो 10 साल पहले केजरीवाल था। इतना सा भी नहीं बदला मैं, उतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं जो पहले काम करते थे। ये सारी पार्टियां चाहती है केजरीवाल भी हमारे जैसा हो जाए, ये चाहती है मैं भी अपना घर भी भरूं, थोड़ा मैं कमाऊं, थोड़ा इनको कमा के दूं। तो ये मेरी शक्तियां नहीं छीनते, तो ये मेरे खिलाफ नहीं होते। आज ये सारे मेरे खिलाफ इसलिए है क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं बना। आज भी मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। भाई साहब, छोटे बच्चे होते थे हम, मास्टर पढ़ाया करता था कि दुनिया में तीन किस्म के देश होते हैं, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री जो अमीर देश होते हैं, विकासशील देश डेवलपिंग कंट्री, और अविकसित देश जो देश विकसित नहीं है। तो बचपन में पढ़ा करते थे भारत विकासशील देश है, तो मास्टर से पूछते थे जी हमारा देश विकासशील है तो ये विकसित कब बनेगा, ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा? तो मास्टर कहता था 5-10 साल में आ जाएगा। भाई साहब 40 साल तो हो गए, सारी पार्टियां आ ली, सारी पार्टियां चली गई, आज भी जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था मेरे बेटे को पढ़ाता है। आज भी मेरे बेटे को कहते हैं भारत विकासशील देश है, कब होएगा विकसित? 5-7 साल, ऐसे यूं नहीं होने वाला, इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला। दोस्तों, मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है, अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना। दिल्ली बदल के दिखा दी 5 साल में, 5 साल पहले दिल्ली का बुरा हाल था, आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है। पिछली बार 67 सीट दी थी, इस बार 62 सीट दी है, दिल्ली बदल के दिखाई है। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर वन देश जब तक मैं ना देखूं। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जिंदाबाद भारत माता की जय। और यहाँ जितने किसान भाई आए हैं, उन सारे किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, ठाडे रहना, चिंता ना करना, दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम। अंत तक, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों, मेरा दिल कहता है समय लग जाए लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, इनका गुरूर खत्म होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे अरविंद केजरीवाल जी के विचार, भारत मेरी जन्मभूमि है। बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला।